जय माँ कामाख्या, जय माँ भवानी। कैसे भक्तों, आप सभी भक्तों को माँ कामाख्या ज्योतिष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। मित्रों, सत्य का खोज, मैं कभी भी गलत तथ्य नहीं दिखाता आप सभी मित्रों को, और मैं सत्य के खोज में निकला हूँ। जैसा कि मैं ऐसा एक अचूक चीज दिखाऊंगा जिससे आपको अटपटा लगेगा, लेकिन बड़ा कड़वा सत्य है, क्योंकि इसका परीक्षण किया हुआ है। मित्रों, मैं अभी उड़ीसा के राउरकेला से 150 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट संबलपुर के सौल ग्राम के साइड में हूँ। मुझे किसी ने कहा इस तरह का बात, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। बहुत दूर से चलने के बाद आया, जब परीक्षण किया तो सच्चाई निकला और मैं खुद आजमाया। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक नाला है, एक इसको राबी बोलते हैं, राबी झरना बोलते हैं। ये राबी झरना है, मैं आपको पानी में दिखाता हूँ। ये राबी झरना है, और ये राबी झरना का खासियत ये है मित्रों, कि यह जो झरना है वह बादलगिरी पर्वत से डायरेक्ट निकला हुआ है, बादलगिरी की पहाड़ों से निकला हुआ है। ये पानी कभी भी ठंडा नहीं होता है, और मैं आप बताएंगे कि क्यों मैं आपको इसमें लाया हूँ। तो आज भी सत्य है, आज भी अगर आप सत्य का खोज करें तो सत्यता जो है वो आपके सामने आएगा। आज भी सत्य है, लेकिन ढूंढने पे मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। आज मैं, मेरा मकसद है, इस झरना में मैं पानी में हूँ, मैं इसलिए लाया हूँ इस झरना में। ये छोटी सी झरना है ये, और ये कभी नहीं सूखता है, और इसकी पानी जो है हमेशा ही बहुत ही ठंडा रहता है। अगर आप गर्मी के अंदर भी नहाए तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, और एक बार नहाने के बाद आपके शरीर को हिला देगा। खासियत मित्रों इसमें है कि इस नदी के अंदर जो जिनको पीलिया का रोग हो जाता है, जो पीलिया से ग्रसित है, जैसा आप बोलते हैं लीवर जॉन्डिस है, तो अगर 3 से 4 दिन इस झरने में नहा ले तो उसका पीलिया जो है दूर हो जाता है। दूसरी बात और यह है कि अगर आपको खाज, खुजली या दाद आपके शरीर में है, तो आप अगर 4 से 5 दिन इस नदी में नहा लें तो आपका जो खाज, खुजली, दाद है वह खत्म हो जाएगा, और फिर कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि तो मुझे भी थोड़ा सा मेरे पैर में हुआ था, और मैं जब यहाँ आया, लोगों से संपर्क किया, और मैं 4 दिन इसमें स्नान किया, तो मेरा भी जो दाद था, खाज, खुजली, खत्म हो गया। तो मित्रों, आज भी सच्चाई है, आज भी सत्य है। अगर आप सत्य की खोज करें तो आपको मिलेगा। दूसरा, कि अगर सांस रोग है, और सांस रोग वाले, दम्मा वाले, अगर इसमें कुछ रोज तक इन जल का सेवन करें, इस पानी का सेवन करें, तो वह भी ठीक होता है। इसके साथ ही मैं अपनी पानी को विराम देता हूँ। आगे फिर ऐसा कोई सच्चाई मिलेगा तो मैं सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। मैं सत्य के खोज में हूँ, और सच्चाई का तथ्य जो है वह पेश करूँगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ भवानी।